नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। बाराबंकी के अलग अलग विकास खंड में अलग अलग स्थानों पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का काम शुरू हुआ। प्रत्याशी और उनके समर्थक परिणाम को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आए। इस उत्साह की वजह से यहां प्रत्याशियों की मतगणना अभिकर्ता कोविड नियमों का अनदेखा कर उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। कोविड नियमों के पालन का आग्रह जिला प्रशासन कर चुका है, लेकिन सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। मतगणना की स्थिति देखने पहुंचे बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कोविड नियमों के पालन करने का आग्रह एक बार फिर किया। सुरक्षा में लगे यहां पुलिसकर्मी सख्ती के बजाय कुर्सियों पर आराम फरमाते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। बाराबंकी की नवीन मंडी में चल रहे पंचायत चुनाव की मतगणना की स्थिति देखने बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। यहां मतगणना में लगे प्रत्याशियों के एजेंट कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। एजेंट यहां परिणाम के लिए इस कदर उत्साहित दिखे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। एजेंटों की ये तस्वीर काफी डराने वाली है, क्योंकि ये सभी ग्रामीण इलाकों से हैं और ये सभी गांवों के कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ा न दे। जिला प्रशासन ने यहां सभी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। सभी को ये हिदायत दी जा रही है कि यहां पे कोविड महामारी के दृष्टिगत समस्त सावधानियां को वो अवश्य बरतें, और जो भी व्यक्ति यहां पर लक्षण का पाया जा रहा है, सभी की जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग भी हो, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी हो, और जो भी तनिक भी अगर संदेह हो रहा है कि उससे संक्रमण है, उसे तत्काल पहले ही हम लोग जो है अलग करके उसका समुचित उपचार करवा रहे हैं, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारा व्यक्ति या एजेंट जो है संक्रमित ना हो और उसके साथ दूसरा कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हम यहाँ कोविड-19 के नियमों को पालन कराने की सभी से अपील करते हैं। हम यहां किसी भी संदिग्ध बीमार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। सभी से आग्रह किया गया है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और मतगणना से संबंधित लोग यहां आए बिना मतलब की भीड़ न लगाएं। वहीं हम यहां शांतिपूर्ण मतगणना कराए जाने के भी कटिबद्ध हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे ब्लॉक वाइज मतगणना हो रही है, जिसमें BDC और चारों स्तरीय जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति यहाँ आसपास ना आए, अपने घरों में रहे, वहीं से इसके बारे में जानकारी लेते रहें, और सभी लोगों से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उसको समुचित तरीके से पालन कराया जा रहा है। किसी भी हाल में कोई अनावश्यक भीड़ या गैदरिंग नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है और शांतिपूर्ण मतगणना सम्पन्न कराई जाएगी। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि जिले के अलग अलग स्थानों पर पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। ऐसे में देखना होगा कि शाम तक नतीजे आएंगे, किसके स्तर पर ताज सजेगा। बाराबंकी से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए रविंद्र पटेल की रिपोर्ट। रामपुर में बदले की भावना से थाना अजीम नगर के दरोगा ने दो युवकों के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। बता दें, जेल जाने वाले शख्स दरोगा को मास्क पहनने के लिए टोक रहा था, जो बार बार वीडियो में बोलता भी नजर आ रहा है। वहीं दरोगा गालियां और अपने जूते से बुजुर्ग की पिटाई करता हुआ नजर आया। दरअसल रामपुर थाना अजीम नगर क्षेत्र में रात के समय वेल्डिंग करने वाला मजदूर अपनी दुकान पर रात के समय में काम कर रहा था, तभी क्षेत्र के दरोगा वहां बिना मास्क पहने पहुंचे और मजदूर के साथ मारपीट की और गंदी गंदी गालियां भी देने लगे। यही नहीं, दरोगा ने खाकी का रौब दिखाते हुए मजदूर के बुजुर्ग पिता को लातों से मारा, जिसका पास में खड़े युवक ने वीडियो बना लिया। एक्चुअली ये हुआ था कि जो थाना पर चौकी के खोद के प्रभारी है, वो आए और अपनी पर्सनल गाड़ी से आए और उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी। पता ही नहीं वो कौन से नशे में थे, ये मैं श्योर नहीं कह सकता कौन से नशे में थे, बट उन्होंने आके मेरे पिताजी के लाते घुसे। तो मैंने उनसे ये बोला, सर आपका क्या राइट बनता है कि आप ऐसे मारा कुटाई कर रहे हो, आपका जो लीगली एक्शन है आप वो करो, बाकी मुझे बताओ रीज़न क्या है। तो उन्होंने ना कुछ बताते हुए मेरे भी हाथापाई की और मेरे दोनों भाई को गिरफ्तार करके चौकी की जगह थाने ले गए। बदायूं के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जिस पर महिला के परिजनों ने बरेली से दो ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था भी की थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर देने के बाद भी महिला को ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, जिससे महिला और उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के शिशु की मौत हो गई। गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा काटा। सूचना मिलते ही ADM वित्त एवं राजस्व नरेंद्र और सीओ सिटी
सहित सिविल लाइन पुलिस और सदर कोतवाली पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया, जिसके बाद अधिकारियों के समझाने के बाद हंगामा शांत हुआ। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।